हाँ, एकदम भर भर के। मुझे याद है जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था हिंदू कॉलेज, तो उस जमाने में वहाँ पे बिहारियों को हैरी कह के बुलाया जाता था। अबे देख हैरी आ गया, अबे वो हैरी है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ऐसा क्या है। फिर दूसरा ये होता था कि बिहार के आप बिहारी हैं क्या? मैं कहता था हाँ मैं बिहारी हूँ। तो बिहार क्यों, ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, इसलिए पूछे क्योंकि बिहार के लोग ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मेरी समझ में कभी नहीं आता था कि बिहार के लोग आखिर दिखते कैसे हैं, बिहार के लोग, उनकी क्या दो सींग होती है, उनके कान बड़े होते हैं या क्या, कुछ मेरी समझ में नहीं आता था। तो इस बात के लिए अभी भी बहुत जो है वो चेष्टा करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि बिहार को जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक आंखों कानों से देखा है, कानों से देखा कहने का मतलब है कि जो एक छवि आपकी बनती है सुनी सुनाई हुई, जो लोगों से आप जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, आपकी छवि वैसी बन जाती है। पर जितने भी लोग देख रहे हैं, बिहार के अलावा भी, बिहार के बाहर के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, तो एक बार आप बिहार आके देखिए, सिर्फ कान से मत देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि बिहार दिखता कैसा है। तो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखा है, और लेकिन यही है कि अगर आप अपनी जड़ों के साथ रहेंगे, अपने मूल को साथ लेके चलेंगे, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ कर नहीं सकता।